दोस्तों, अगर आप अपने सपने में कुत्तों का झुंड देखते हैं जिसमें बहुत सारे कुत्ते आपको दिखाई देते हैं, तो ये सपना आपके लिए शुभ माना जाता है। और जब भी हम कोई शुभ सपना देखते हैं तो उसके बारे में हमें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो उसका जो अच्छा प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सपने में कुत्तों का झुंड देखने का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने सपने में कुत्तों का झुंड देखते हैं जो कि आपके साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर रखने वाला है, मतलब ये सभी कुत्ते आपके अच्छे दोस्त है, एक तरह से जो आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का सपना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले निकट भविष्य में आपके बुरे वक्त में आपके सभी अपनों का साथ आपको मिलने वाला है, जो आपको किसी भी तरह की मुसीबत से आसानी से बाहर निकाल लाएंगे। अब ये मुसीबत किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे आपकी फाइनेंशियल स्थिति आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली हो, या फिर आपका कोई अपना या स्वयं भी किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल में भी भर्ती हो, जिसमें आपको अपने परिवार वालों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो वहां पर आपके सभी अपने आपका बहुत ही ज्यादा साथ देने वाले हैं। वे आपके ऊपर आने वाली किसी भी मुसीबत में आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले। वहीं दोस्तों, अगर आप अपने सपने में कुत्ते के झुंड को आपके ऊपर अटैक करता हुआ देखते हैं या भौंकते हुए देखते हैं, तो ये सपना आपके लिए चेतावनी देने का काम करता है। इस सपने का मतलब है कि आने वाले समय में आपके बहुत सारे दुश्मन बनने वाले हैं, जो हर समय आपका विरोध करते रहेंगे और आपके हर बनते हुए काम को बिगाड़ने पर लगे रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको आने वाले समय में किसी भी विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, और अगर आप फिर भी किसी भी विवाद में पड़ जाते हैं तो अपने दुश्मनों को आपको अच्छा खासा सबक सिखा देना है, जिससे आगे से वे आपको बिल्कुल भी तंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर जय राधे कृष्ण या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।